पूज महामंडलेश्वर विश्वकोनंद जी महाराज, पूज महामंडलेश्वर आत्मानंद पुरी जी महाराज, पूज तुलसाराम जी महाराज आशोत्रा, पूज अवतारपुरी जी महाराज एवं सभी संत महामंडलेश्वर महात्मा सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक, जिन्होंने राजस्थान के अंदर भी विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत लंबे समय तक काम किया है, ऐसे में सम्माननीय भाई साहब दुर्गादास जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक सम्मानीय जोगेश्वर गर्ग साहब, हमारी कैबिनेट में मंत्री मेरे साथी भाई जोराराम जी कुमावत साहब, अवनाश जी गहलोत साहब, श्री लक्षराज जी मेवाड़ साहब, स्वामी अवतारपुरी जी, नारायण सिंह जी माणकला पूर्व सांसद राज्यसभा, हमारे सम्माननीय विधायक बालक मुकुंदाचार्य जी, हमारे अभी अभी तो राज्यसभा के सांसद बने सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे विधायक केसाराम चौधरी जी, हमारे विधायक अर्जुन लाल गर्ग जी, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व आईपीएस आईजीपीजी बंजारा साहब, इस कार्यक्रम में आए सभी संत महंत और जिनका इस मंदिर में योगदान रहा, ऐसे सभी ट्रस्टार्थी, इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सर्वप्रथम में इस दिव्य ओम आश्रम में विराजे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि इतनी दिव्यता के साथ भोले भगवान हमारे इस मंदिर में विराजे हैं। मैं ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज, गुरुदेव एवं ओम श्री अलकपुरी जी, सिद्धपीठ परंपरा के संत परम महाशेष अवतार श्री अलकपुरी जी महाराज, परम योगेश्वर शिव स्वरूप देवपुरी जी महाराज, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण जी महाप्रभु जी, हिंदू धर्म सदगुरु श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज, श्री पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी महाराज, स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म आध्यात्म का केंद्र रहा है, इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है।
यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापित कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य इस मंदिर के अंदर है। यह मंदिर पृथ्वी पर ऋषि निर्मित 8 आश्चर्यों में से एकमात्र ओमकार मंदिर है। भारत के अमृत काल में अद्वितीय अद्भुत ओम आश्रम का भव्य उद्घाटन स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर होने का साक्षी और गौरव का विषय है। आश्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापित कला मनोहारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह समय देश के साथ ही हमारी आस्था और संस्कृति का भी अमृत काल है। यह सनातन धर्म का उदय काल प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश का वातावरण कि अयोध्या में रामलला आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन धर्म सभ्यता सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महाकाल लोक हो या 2013 के बाद आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदारधाम की भव्यता को निखारने का काम किया हो। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने का वो सुगम रास्ता और ऐसा रास्ता कि वो विभिन्न परिस्थितियों में भी वो रास्ता चलता रहे, ये काम हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा उज्जैन का महालोकपाल कितना भव्य बनाया गया है। हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा था, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट कर दिया था, हमारे उन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने का काम किया था, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक चिन्हों की विरासतों को पुनर्स्थापन करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे धार्मिक केंद्र, हमारा पुनर्स्थापना तो हो रहा है लेकिन इसके साथ दुनिया में हमें सर्किट बना करके धार्मिक पर्यटन का भी हम विकास कर रहे हैं। जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर धार्मिक पर्यटक हैं, ऐसे स्थान हैं, हम उनको सर्किट से जोड़ करके उसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारी सरकार ने धार्मिक सर्किट बनाने का काम किया है और उसके लिए हमने, चाहे हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी माँ हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित वहां करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं
उम्मीदवार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछरी के भगवान कृष्ण के गिरिराजी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमारा, हमने महाराणा प्रताप जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के उनकी जन्मस्थली से लेकर के चित्तौड़ दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारा राजस्थान, जब पानी के लिए हमें परेशानी होती थी, हमारे 2 महीने की सरकार ने लंबित पड़ी हमारी 30-30, 40-40 पुरानी साल पुरानी हमारी जो मांग थी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आप राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो आपको हमने वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और उसी वायदा पूरा करने में आपने देखा होगा कि हमने पूर्वी राजस्थान की ERCP योजना, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोग उसको इधर से उधर ले जा रहे थे, उस पर राजनीति कर रहे थे, हमने 1 महीने के अंदर उस इतनी बड़ी योजना को लेकर के आए। पहले उस योजना को 37,000 करोड़ रुपए की योजना थी, अब वो 45,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 13 जिलों में पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टर जमीन को भी सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा। हमने उसका काम प्रारंभ कर दिया है, हमने उसका अधिकारी उसमें हमने लगा दिए हैं, जमीन एक्वायर करने का काम प्रारंभ हो गया है, और जल्दी हम 5 साल के अंदर उस योजना को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा, परसों 17 फरवरी को हमने जो हमारे सीकर चूरू झुंझुनू पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, यमुना का समझौता था, ताजे वाले हथनी कुंड से कभी हरियाणा उसको पानी देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तुरंत ही माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, और मित्रों 17 तारीख को उसका भी DPR बनाने के लिए थे, उसके लिए भी हमारा तैयार के लिए उस पर सहमति बन गई, हमारे दोनों तरफ के अधिकारियों ने सहमति बना दी, दिल्ली के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमने ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्र, आपसे जो हमने वादा किया है, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बढ़ाएंगे, हमने 1,000 रुपए मिलती थी, पहले चरण में हमने 1,150 रुपए यानी कि 150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है। लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, हमने कहा कि किसानों की हर समस्या हमारी समस्या है, किसानों की समस्या का हम समाधान करेंगे। और हमने किसानों को जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि मिलती थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक पहली किस्त 2,000 रुपए की राज्य सरकार से दे करके हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का हमने काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार, क्योंकि हमने पता है किसान की फसल आ रही है, किसान का गेहूं आने वाला है, हमने कहा हमारी आपकी हम MSP भी बढ़ाएंगे, हमने 125 रुपए MSP बढ़ाने का काम किया है। जब 2,275 रुपए थी, हमने 2,400 रुपए करने का काम किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप मित्रों विश्वास की, आपने जो अपने मन में जो विश्वास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता है, आपके विश्वास को किसी भी तरह से ठेस नहीं लगने देंगे, आपके विश्वास को पूरा करेंगे। और आपको विश्वास को पूरा करते हुए ये डबल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी। पहली सरकार देखा था मां, हर जगह भ्रष्टाचार होता था, युवाओं के पेपर लीक होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हमने आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से 22 जनवरी के बाद, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा होगा, हमने कहा था कि धारा 370 भी हटाएंगे, धारा 370 भी हटाई। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, विपक्षी लोग कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और उन लोगों को निमंत्रण भी दिया, लेकिन भगवान राम के यहां उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक अपनी विरासत पर भी इस तरह की राजनीति करते हैं। और हमने कहा हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को जिस तरह से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम लला की उस मूर्ति स्थापना का जो भव्य और सुंदर एक दृश्य आपने देखा होगा, पूरे विश्व का दृश्य था। हम कहते हैं कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और राम हमारे सांस्कृतिकता के प्रतीक हैं। और आपने देख लिया कि अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ये आपने देखा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से आपके हितों को ध्यान रखते हुए काम करेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम सभी को तैयार भी रहना है, तैयार रहते हुए हमें काम करना है। और यहां से राजस्थान से हमेशा 25 की 25 सीट आप देते हो, अब की बार और जोरदार करते हुए हमारा हर प्रत्याशी 5 लाख से ऊपर से जीत के जाए, जिससे लगे लोगों के मन में विश्वास। ये व्यवस्था हमें करनी है, एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां से जीत करके नहीं जाए, क्योंकि यह राम भक्तों की सरकार है। हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करते हैं, हमारी संस्कृति के लिए हम काम करते हैं, हम हमारे उस अंत्योदय को लेकर काम करते हैं, जो अंतिम पंक्ति में हमारा जो गरीब भाई खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं, हम माता बहनों के लिए काम करते हैं, और हमारे पूज्य संत हमारे बीच में विराज रहे हैं। इन संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। सामने भी मेरे संत विराज रहे हैं, मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमेशा से ये देश संतों का, मुनियों का, ऋषियों का देश रहा है। और इसीलिए देश नहीं दुनिया इस मां भारती को पूजती है। और धीरे धीरे इसके कदम, कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने 21वीं सदी भारत की होगी, हमारे उस 21वीं सदी की ओर भारत के कदम जा रहे हैं। आज दुनिया में भारत का टंका बज रहा है, इसमें हमारे ऋषि मुनि साधु संत महंत आप सबका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए आपके चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस मौके पर मुझे बुलाया, मैं माननीय स्वामी जी का भी प्रणाम करता हूं, और यहाँ के सभी आयोजक, यहाँ के इसके ट्रस्टी सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पूज्य स्वामी योगेशपुरी जी महाराज, जिन्होंने पिछले 29 वर्षों से लगातार इस ओंकार के स्वरूप को साकार रूप देने के लिए आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं पूज्य
योगेश पुरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे वहां पधारें, और मैं माननीय